जाड़े का मौसम, माघ का महीना बीत रहा था। उन दिनों हिमालय में बर्फ का तूफान चल रहा था, जिसकी शीत लहरी में वृंदावन और सारा ब्रजमंडल ठिठुर रहा था। एक तो घोर जाड़े की रात, उस पर आंधी तूफान के साथ अवरल बरसा। यमुना के किनारे वृद्ध वैष्णव गुरु बाबा दामोदर दास का श्री नटवर कुंज था। कुंज क्या, एक छोटा सा अखाड़ा था, जहाँ तीन छोटे छोटे कमरे थे। एक कमरे में श्री नटवर जी और राधा रानी की सेवा पूजा होती थी। शेष दो कमरों में बाबा जी और उनके दो शिष्य रहते थे। आंगन में एक किनारे पक्की छावनी वाली गौशाला थी, जिसमें तीन गायें थी। रात काफी हो गई थी। अचानक बाबा दामोदर दास जी ने क्रोधित होकर पुकारा, हे तुम लोग जल्दी उठो, सुनते नहीं हो कि गाय बार बार रंभा रही है। मिठू लाल ब्रज का रहने वाला लड़का था। उसके प्रति बाबा जी को विशेष स्नेह है, इसलिए वह मौका मिलते ही शैतानी करने से नहीं चूकता। कभी कभी तो बाबा जी को दो बार सुना भी देता। उसने बाबा जी की पुकार पर उत्तर दिया, बाबा इस झड़ वर्षा में ठंड में चोर भी चोरी करने के लिए नहीं निकलता। ऐसे समय वे लोग भी आग जलाकर तापते हैं या तो सो जाते हैं। तुम चुप रहो बंदर बच्चे, इस कुंज में बैठे बैठे चौड़ा दही खाने में तो तुम यम के सहोदर हो। चोर नहीं आया, फिर हो सकता है कि गाय के गले की लस्सी कस गई हो। सुन नहीं रहे किस तरह रंभा रही है, जाओ जरा देख कर आओ। छाता और लालटेन लेकर दोनों चेले गौशाला में घुसे। गौओं के पास जाते ही वे विस्मय विमूढ़ हो गए। उन्होंने देखा, उनके सामने एक मानव आकृति जमीन पर पड़ी है। सारा शरीर एक ऊनी चादर से ढका है। ये कोई जीवित व्यक्ति है या मरा है? मुंह पर चादर हटाकर नंदलाल ने देखा, अरे ये तो कोई स्त्री है। दोनों भाइयों ने उस स्त्री की नाक के पास उंगली ले जाकर देखा, सांस अभी चल रही है, मरी नहीं है। मिठू लाल दौड़ा दौड़ा बाबा जी के घर गया और व्यग्र होकर कहने लगा, बाबा गौशाला में चोर नहीं, साक्षात राधा रानी आई है। अपने किशोर चेले की चपल सरल उक्ति सुनकर बूढ़े बाबा जी हंस पड़े, कहने लगे, अच्छा अच्छा, चलो तुम उस बेचारी स्त्री को घर में उठाकर ले आओ और काठ का एक जलता कुंदा भी ले आना। बेचारी स्त्री ने बड़ा कष्ट उठाया है, भाग्य की ही बात है कि इस ठंड और वर्षा में वह मरी नहीं। चेलों ने बाबा जी के आदेश के अनुसार काम किया और करीब एक दो घंटे में आग के ताप से किंचित स्वस्थ होकर स्त्री ने आंखें खोल दी। दूसरे दिन सवेरे यमुना में स्नान कर बाबा जी ने नटवर जी और किशोरी जी की पूजा की, बाल भोग चढ़ाया और इन कार्यों से निर्वत होकर बरामदे में आ बैठे। दोनों चेलों को बुलाकर कहा, उस स्त्री को यहाँ ले आओ, कुछ प्रसादी देकर यहाँ से विदा कर दो। थोड़ी देर बाद महिला को बरामदे में बाबा जी के सामने बिठा दिया गया। प्रणाम करने के बाद बाबा जी की ओर एकटक देखकर वे महिला फूट फूट कर रोने लगी, बाबा आप ही हैं, आप ही ने तो उस दिन कलकत्ता आए थे, आप ही ने तो हाथ के इशारे से मुझे यहाँ वृंदावन बुलाकर लाए हो अपनी कुटिया में आश्रय देने के लिए। यह सब बेकार की बातें हैं, विपत्ति में पड़ने पर सब लोग ऐसा कुछ कहने लगते हैं, यह कहकर दामोदर दास जी माला फेरने लगे। बाबा मैं अपने इष्टदेव के नाम की शपथ लेकर कहती हूँ, आपने कलकत्ता में मुझे मनुष्य रूप में दर्शन दिए थे। नंददास विस्मय से बोल उठा, बाबा जी तो अनेक दिनों से मथुरा नहीं गए हैं, कलकत्ता क्या जाएंगे? शांत स्वर से स्त्री कहने लगी, हाँ बाबा, मथुरा पहुंचने पर मुझे कहीं कुछ भिक्षा नहीं मिली, शरीर और मन से मैं अवश हो रही थी। इधर सांझ हो गई, वर्षा होने लगी, थकी मांदी मैं बाजार में एक पुआल घर में रुक गई, नींद आने पर वहीं सो गई। अचानक किसी की पुकार सुन मैं जाग गई और देखा आप जाप की माला लिए मेरे सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, यही तो खरबिचाली भरी बैलगाड़ी है, इसी से तुरंत वृंदावन के लिए रवाना हो जाओ। अभी गाड़ी में
थोड़ी सी जगह बनाकर सो रहो, मेरे पास ठीक ठाक पहुंच जाओगे। बाबा, मैं आपके आदेश से ही तो यहाँ आई हूँ, स्त्री बड़े करुण स्वर में कहने लगी। बाबा, अगर मेरे यहाँ रहने में मेरा सौंदर्य बाधक बन रहा है तो मैं इसी क्षण इसे नष्ट किए दे रही हूँ। नहीं माई, यह नहीं हो सकता। बाबा जी के ओठों पर हंसी की रेखा दिखाई पड़ी। तुमने क्या स्वयं अपने मुंह को गढ़ा है? तुमको तो प्रभु श्री कृष्ण ने गढ़ा है, यह सौंदर्य भी उनका ही दिया है, इसको नष्ट करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। तब क्या होगा बाबा? स्त्री असहाय सी देखने लगी। उपाय है माई, खूब सहज उपाय है, वह तुम्हारे ही हाथ में है। यह देह, यह सौंदर्य, जो कुछ भी है, सब कुछ श्री कृष्ण को अर्पित कर दो, अपना कहने को कुछ भी ना रहे। इसके लिए तुम राजी हो क्या? माँ, तुमने बहुत कष्ट उठाया है, जाओ, अब तुम प्रभु नटवर जी के आश्रय में आ गई हो, अब से तुम्हें कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, जब तक चाहो यहाँ रहो, तन मन प्राण से ठाकुर जी की सेवा करो, उसके बाद तुम्हारी असल तपस्या शुरू करवाऊंगा। तुमने ठीक कहा है, तुम पर नटवर जी की कृपा रही है, इसलिए मैं स्वयं तुम्हें कलकत्ता जाकर वृंदावन बुलाकर लाया हूँ। कुंजदासी मन प्राण देकर बाबा जी द्वारा स्थापित श्री विग्रह पूजा करती, दिन पर दिन उसके त्याग वैराग्यमय वैष्णवी साधा चल रही थी। इसी तरह 5 वर्ष बीत गए। गुरु बाबा दामोदर दास ने एक दिन शिष्या को बुलाकर कहा, माँ, तुम्हारी साधना का आधार सुदृढ़ हो गया है, तुम में कृष्ण कृपा का उदय भी दिखलाई पड़ रहा है, तुम्हें अब इस नटवर कुंज में रहने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें अब ब्रज मंडल के किसी एकांत पवित्र वन में जाना होगा। जाने के पहले मैं तुम्हें संन्यास मंत्र की दीक्षा दूंगा, तत्पश्चात तुम्हारे नए स्तर की साधना शुरू होगी। अब तुम्हें राधा कृष्ण के लीला में संभोग रस की साधना करनी है, इसके लिए और भी तीव्र वैराग्य चाहिए और बहुत दिनों तक एकांत वनवास करना भी आवश्यक है। यह बड़ी कठिन साधना है रे माई, मन में लेश मात्र भी आ सकती या भोगेच्छा रहने पर उस दिव्य रस संभोग का अधिकारी होना संभव नहीं, इसलिए किसी जनहीन जंगल में जाकर तुम्हें तपस्या करनी होगी। यह प्रभु नटवर जी का आदेश है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। उन्होंने तो यह भी तय कर दिया है कि तुम किस जंगल में झोपड़ी बनाकर रहोगी और सिद्धि लाभ करोगी, लेकिन यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हें संन्यास दीक्षा दूंगा। गुरु दामोदर दास जी ने शिष्या कुंजदासी को वैष्णव संन्यास की दीक्षा देकर उसका नया नामकरण किया, परमेश्वरी दासी। यासनी शिष्या के कुंज से विदा होने के समय बाबा जी ने बता दिया कि उसे कहाँ जाकर तपस्या करनी है। वे बोले, माई, तुम बिहार वन में जाकर अपनी कुटिया बना लो। प्राचीन काल में वहाँ राधा कृष्ण की विहार स्थली थी। यह दुर्गम वन वृंदावन से गोवर्धन जाने वाले मार्ग में पड़ता है। जरूरत हुई तो मैं साल दो साल में एक बार वहाँ आकर तुम्हें देख आऊंगा, लेकिन तुम अपनी तपस्या छोड़कर वन से बाहर कभी मत आना। माँ, तुम्हें वहाँ किसी बात की चिंता नहीं करनी है, बिहार वन से सटे ही रास गांव है, वहाँ के लोग संपन्न हैं, सज्जन हैं, वहाँ मेरे कुछ भक्त भी रहते हैं, वे सब तुम्हारी देखभाल करेंगे। बिहार वन के भीतर एक तमाच गाच के नीचे परमेश्वरी दासी ने सूखी लकड़ियों, लताओं और घास पात से अपने लिए एक कुटिया बना ली। वही उसका पूजा घर था, उसी में सोने की जगह थी। गुरु के निर्देश के अनुसार वे अपना जीवन ध्यान भजन की कठिन तपस्या शुरू करने लगी। उनका सारा समय ध्यान जप और भजन में बीतने लगा। दिन दिन भर निराहार रहकर सांझ में केवल कुछ भोजन कर लेती। भिक्षा टन के लिए वे कभी वन से बाहर नहीं जाती। मानवहीन उस जंगल में आटा, मैदा और नून आदि कहाँ मिलता? वन में जो थोड़े फल फूल उपलब्ध होते उन्हें वे चुनकर लाती और ठाकुर जी को भोग लगाती। भोग का प्रसाद ही उनका आहार था। लेकिन जल की बड़ी समस्या थी। बिहार वन में कोई तालाब नहीं था, केवल एक पुराना कुआ था जिसका पानी खारा था। उस पानी से स्नान किया जा सकता था, लेकिन उसे पीना तो असंभव था। परमेश्वरी देवी
पानी को औट कर किसी तरह पी लिया करती, दूसरा उपाय ही क्या था। गुरु कृपा से परमेश्वरी देवी की वह समस्या भी एक दिन दूर हो गई। उस दिन वह जंगल में फल मूल चुन रही थी, वहां एक लकड़हारे से उनकी भेंट हो गई। लकड़हारे का नाम था भीकनलाल। भीकनलाल रोज जंगल में जाकर लकड़ी काटता और उसे बाजार में बेचकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता। उस दिन लकड़ी काटते समय उसकी नजर गेरुआ वस्त्र धारणी अपूर्व सुंदरी सन्यासिनी परमेश्वरी पर पड़ी। वे चकित विस्मित होकर देखने लगा, ये कोई मानवी है या वन्य देवी। आगे बढ़कर उसने सन्यासिनी को दंड प्रणाम किया। आशीर्वाद देकर सरल भाव से परमेश्वरी उस लकड़हारे से बात करने लगी। बातचीत के दौरान भीकनलाल ने पूछा, माई इस गहन वन में रहकर तुम भगवान का ध्यान भजन करती हो, जंगल से फलमूल चुनकर भोजन का प्रबंध कर लेती हो, लेकिन तुम्हें पीने का पानी कहाँ मिलता है। परमेश्वरी ने हंसते हंसते उत्तर दिया, बेटा मैंने मनुष्य समाज को छोड़कर इस जंगल में भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया है, वे अंधे तो नहीं है, निश्चय ही कोई प्रबंध करेंगे। भीकनलाल स्वयं बोल उठा, चिंता की कोई बात नहीं माँ, मैं हर रोज जंगल में लकड़ी काटने आता हूँ। अब से तुम्हारे लिए अपने गांव से एक कलसी मीठा जल ले आया करूँगा, कोई आपत्ति मत करना माँ, मैं तुम्हारे पुत्र तुल्य हूँ। परमेश्वरी ने उसका प्रस्ताव मान लिया और भीकनलाल भी धीरे धीरे उनका परम भक्त बन गया। सिद्धाबाई ने असामान्य प्रेम भक्ति और वैष्णव सिद्धि प्राप्त की। उन्हें कृष्ण दर्शन का दुर्लभ सौभाग्य मिला। फिर भी उनका ध्यान भजन जब तक पूर्ववत अनवरत चलता रहा। उनकी दिनचर्या नियम की कठिन जंजीर में बंधी थी, उसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई आने की गुंजाइश नहीं थी। दामोदर दास के आदेश से उन्होंने बिहार वन के निर्जन जंगल में कठोर तपस्या करने का व्रत लिया था। उस आदेश का वे अक्षर रक्षा पालन करती थीं। वे 30 वर्ष की आयु में इस जंगल में आईं और 35 वर्षों तक वहां रहीं। इस लंबी अवधि में बिहार वन के बाहर कहीं नहीं गईं। गुरु ने उन्हें आकाश व्रति से जीवन यापन करने का आदेश दिया था। उस आदेश का उन्होंने आजीवन पालन किया। सिद्धि बाई की ख्याति फैल जाने के कारण उनके दर्शन हेतु रासगांव, गोवर्धन, राधा कुंड और बरसाने से दल के दल भक्त और तीर्थयात्री आने लगे। सिद्धि बाई ने अपनी कुटी के चारों ओर अपने हाथ से एक अभिमंत्रित लकीर खींच दी। भक्त और दर्शनार्थी लोगों को मालूम था कि उस मंत्रपुत्र रेखा के भीतर पांव रखना सब तरह से निषिद्ध है। एक कौतूहली भक्त ने एक दिन पूछा, माई अगर कोई आदमी तुम्हारी आज्ञा ना मानकर इस रेखा को लांघना चाहे तो क्या फल होगा। परमेश्वरी ने दृढ़ कंठ से कहा, फलाफल की बात तो दूर की है, इस रेखा के अंदर पांव रखना किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं, वे दुष्ट हो या कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों ना हो। सिद्धाबाई की भजन निष्ठा और अलौकिक शक्ति की चर्चा धीरे धीरे दूर दूर तक फैल गई। स्नार्थी भक्त लोग ढेर सारा फल फूल और मिठाई भेंट में दे जाते थे, लेकिन वे तत्काल सभी वस्तुओं को स्त्री पुरुषों में बांट देती थी। बांटने का काम बाई के परम भक्त भीकनलाल का था। बाई ने स्पष्ट आदेश दे रखा था कि वे कुछ भी संचय ना करे, भजन कुटी में कुछ रखे नहीं। इस कठोर नियम में किसी दिन भी व्यतिक्रम नहीं हुआ। एक बार गोवर्धन परिक्रमा करने वाले सैकड़ों दरिद्र तीर्थयात्री सिद्धाबाई का दर्शन करने आए। वे सब तेज धूप और थकावट से चूर हो रहे थे। उस समय सिद्धाबाई के कई विशिष्ट भक्त वहां थे। वे बड़ी चिंता में पड़े कि दर्शनार्थियों के भोजन पानी का क्या प्रबंध किया जाए। कुछ भक्तों ने कहा, माई की इस पर्ण कुटी में तो एक मुट्ठी आटा या फलमूल भी संचित नहीं रहता, इतने भूखे लोगों के भोजन की कैसे व्यवस्था होगी। परमेश्वरी बाई ने उन लोगों की राय सुनकर कहा, बेटा तुम लोग परेशान मत हो, इन लोगों को पेड़ की छाया में विश्राम करने को कहो, ठाकुर नटवर जी इन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था अवश्य करेंगे। सिद्धाबाई की बात थोड़ी देर में ही सत सिद्ध हुई।
मथुरा के एक सेठ उस दिन गोवर्धन दर्शन के लिए आए थे। उन्हें स्वप्न में भगवान का आदेश मिला, सिद्धा परमेश्वरी माई मेरी अंतरंग भक्त है, उनका दर्शन कर अपना जीवन सार्थक करो, बाई के स्थान पर भंडारा भी करना। भगवान के इस आदेश पर सेठ जी दो बैलगाड़ियों पर पूरी लड्डू पेड़ा वगैरह भोजन सामग्री लादकर बिहार वन में आए। माई के वास स्थान पर जमकर भंडारा हुआ। दशरथियों ने जी भरकर भोजन किया। ब्रजवासी सज्जन परमेश्वरी बाई का दर्शन करने आए। दर्शन करने के बाद जब भी वे लौट जाने के लिए तत्पर होते, बाई उन्हें कुछ दिन और रुकने का अनुरोध करती। एक दिन सज्जन ने माई की बात ना मानकर वापस जाने का निर्णय किया। वे कुछ ही दूर गए कि रास्ते में एक विषधर सर्प ने काट लिया और वे गिर पड़े। साथ के लोग उन्हें उठाकर बाई के निकट ले आए। बाई ने उदास हंसी हंसते हुए कहा, मैं तो स्पष्ट देख रही थी कि ये किसी गंभीर दुर्घटना में पड़ने वाले हैं, इसलिए मैं उन्हें यहाँ से जाने से रोक रही थी, लेकिन देव की गति प्रबल है, उसे कौन रोक सकता है। माई ने अपनी धुनी से थोड़ी भस्म लेकर उनके शरीर पर मल दिया और थोड़ी देर में वे विस्मुक्त होकर उठ बैठे। विलियम फाकनर नाम का एक तरुण अंग्रेज मथुरा घूमने आया। वह मथुरा के मजिस्ट्रेट का अतिथि था। मथुरा के मंदिरों को देखने के बाद एक दिन वे गोवर्धन की ओर चला जा रहा था। गहन वन में घुसने पर उसे सिद्धाबाई की पर्णकुटी दिखाई पड़ी। उन दिनों पास पड़ोस में एक प्रथा चल रही थी कि जब भी वे लोग सिद्धाबाई की कुटिया के नजदीक निकलते, बड़े जोर से चिल्लाते, सिद्धा परमेश्वरी माई की जय। उन लोगों को विश्वास था कि माई के कानों में जयकार की आवाज जाने के बाद रास्ते के सांप और जंगली जानवर स्वतः हट जाएंगे। सिद्धा माई की कुटिया के पास पहुंचकर फाकनर साहब के पीछे पीछे चलने वाले स्थानीय लोगों ने बाई की जय ध्वनि की। आवाज सुनकर साहब ने पूछा, ये क्या बात है? लोगों ने उत्तर दिया, यहाँ हम लोगों की सिद्धा माता जी रहती है, वे दिन रात भगवत भजन और साधना में लीन रहती हैं। उनको अनेक प्रकार की अलौकिक शक्तियां प्राप्त हैं। उनकी जयकार करते हुए हम लोग निर्भय होकर इस जंगल में प्रवेश करते हैं। साहब ने व्यंग से हंसते हुए कहा, तुम लोगों की ये महिला साधु कहाँ है? उसके सिर पर तो जटा होगी, बहुत बूढ़ी भी होगी। उन लोगों की बात चल ही रही थी कि सिद्धा माई पर्णकुटी का दरवाजा खोलकर आंगन में चली आई। गांव वालों ने हाथ जोड़कर बड़े भक्तिभाव से उन्हें प्रणाम किया। फाकनर साहब विस्मय से अवाक रह गए। ये तपस्वनी बूढ़ी नहीं बल्कि तरुणी है, तरुणी ही नहीं रूपवती है। माई, ये साहब और इनके साथी मथुरा से आए हैं। ये लोग बिहार वन में चिड़ियों का शिकार करेंगे। देखो ना, इनके हाथ में बंदूक है, गाँव के पचित ने उत्तर दिया। बेटा, तुम लोग बता सकते हो कि ये लोग निर्दोष पक्षियों को मारेंगे क्यों? यहाँ सब खून खराबा ठीक नहीं। शांत भाव से इतना कहकर सिद्धा बाई अपनी कुटिया में चली गई। सब लोग शिकार के इरादे से जंगल में घुसे, लेकिन कैसा आश्चर्य, जो जंगल चिड़ियों के कलरव से मुखर रहता था, आज बिल्कुल शांत था, कोई चिड़िया नजर नहीं आई। क्या शिकारियों को चकमा देकर वे एकजुट होकर अन्यत्र चली गई थी? निराश होकर वे लोग लौट आए। सिद्धा माई की कुटिया के निकट पहुंचकर गांव वालों ने पुनः जय जयकार किया। माई ने बाहर आकर पूछा, क्यों रे, तुम लोग को कोई शिकार मिला कि नहीं? नहीं माई, शिकार कहाँ, सारी चिड़िया वन छोड़कर भाग गई हैं। ये तो होना ही था, ये प्रेम का स्थान है, खून खराबे का खेल यहाँ नहीं चलेगा। मैंने सभी चिड़ियों को खबर दे दी है, माई ने बताया। तीसरे पहर शिकारी लोग फिर वन में गए, लेकिन उन्हें फिर निराशा ही हाथ लगी। चिड़ियों का कहीं कोई पता नहीं था। लगता था वे सब आपस में राय मशवरा कर जंगल से चली गईं। विलियम फॉकनर क्षुब्ध मन लिए अपने कैंप रासगांव में लौट आया। एकांत में बैठा बैठा वह सोचने लगा, चिड़ियों का शिकार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा शिकार तो जैसे भी हो फसाना ही है। वे एकांत वासनी सिद्धा माई के रूप के आकर्षण से पागल हो रहा था। माई की कुटिया के पास पहुंचकर वे छड़भर के लिए रुका
और कुटिया के आंगन की ओर उसने जैसे ही पांव बढ़ाया, किसी अदृश्य शक्ति ने उसके कलेजे पर इतने जोर से आघात किया कि वह दूर जा गिरा। किसी तरह से अपने को संभाल कर फाकनर उठ खड़ा हुआ, फिर कुटिया के आंगन में जाने लगा। दो चार डग आगे बढ़ा होगा कि उसके सामने एक भयंकर महाबलिष्ठ पुरुष प्रकट हुआ और उसे उठाकर बहुत दूर फेंक दिया। फाकनर गिरकर बेहोश हो गया। रात में दो तीन आदमी लालटेन लेकर फाकनर को खोजने निकले। बिहार वन में कुछ आगे बढ़ने पर उन लोगों ने देखा कि साहब एक बट वृक्ष के नीचे बेहोश पड़ा हुआ है, उसके मुंह से फेन निकल रहा है। वे उसे उठाकर कैंप में लाए, सेवा की, दवाई दी और गर्म दूध पिलाया। दूसरे दिन फाकनर ने गांव के मुखिया को बुलवाया और कहा, तुमने ठीक ही कहा था, तुम्हारी माँ साक्षात मरियम है। मेरे साथ चलो, मैं माई से मिलूंगा, उनसे माफी मांगूंगा। उन लोगों के वहां पहुंचने पर सिद्धा माई कुटिया के बाहर आई। साहब ने अपनी टूटी फूटी हिंदी में माई से कहा, माता जी मैं अपने आचरण के लिए लज्जित हूँ, आप मुझे क्षमा करें। सिद्धा माई ने उत्तर दिया, मैंने तो तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था, नहीं तो मेरी अभिमंत्रित रेखा को पार करने पर तुम जीवित कैसे बचते। सांसारिक लोग तो अनेक प्रकार की भूल करते ही हैं। वन में बास करने वाले हम लोगों का काम ही है उन लोगों की भूल को सुधारना। सिद्धा माई के विहार वन में आकर 10 वर्षों तक तपस्या करने के बाद उनके गुरु दामोदर दास बाबा जी का देहांत हुआ। इन 10 वर्षों के दरमियान कई बार बाबा जी वृंदावन से गोवर्धन आए और अपनी प्रिय शिष्या परमेश्वरी को वैष्णवी रस साधना की निगूढ़ क्रियाएं सिखला गए। जिस दिन बाबा जी का शरीर त्यागना था, वे गंभीर रात में अपने सूक्ष्म दिव्य ज्योतिर्मय शरीर में परमेश्वरी माई के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, माई मेरे शरीर का प्रयोजन पूरा हो गया, इसे त्याग कर मैं दिव्य लोक जा रहा हूँ। प्रभु श्री श्री नटवर जी के आदेश पर मैं तुम्हें यहाँ खींच लाया था और उनके निर्देश के अनुसार तुम्हारी ये तपस्या स्थली तैयार की गई। अब तुम में अंतरंग वैष्णवीय साधना सिद्धि और लीला दर्शन का प्रस्फुटन हो रहा है, लेकिन तुम्हें और भी गंभीर स्तर पर जाना है। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारा साधन जीवन सार्थक हो। गुरु महाराज के तिरोधन के बाद सिद्धा माई करीब 30 वर्षों तक विहार वन में साधना करती रही। वे राधा कृष्ण के दिव्य लीला दर्शन की गंभीरतम गहराई में क्रमशः उतरती गई। 30 वर्षों की इस एकांत साधना सिद्धि के बाद माई के जीवन का लोक कल्याण पर्व आरंभ हुआ। ब्रज मंडल के पुराने तपस्वियों से मालूम हुआ कि उस समय कई वैष्णव साधु माई से वैष्णवी साधना की निगूढ़ प्रक्रियाएं सीख गए और उन लोगों की साधना सार्थक सिद्ध हुई। तत्पश्चात सन 1910 के अंत में सिद्धा माई के शरीर त्याग का समय आया। उनके मुंह से शरीर त्याग के मुहूर्त की बात सुनकर अंतरंग शिष्य और भक्त लोग बड़े व्याकुल हो गए। रास गांव और अन्य निकटवर्ती गांवों से दल के दल लोग दर्शन के लिए आने लगे। गुरु द्वारा दिए गए आसन पर बैठकर गुरु प्रदत्त नाम जप करते हुए इन महान साधका ने अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। सुनने में आता है कि गोवर्धन के प्रसिद्ध साधक बाबा मनोहर दास के शिष्य अनंत दास ने सिद्धा परमेश्वरी माई की पर्णकुटी में बहुत दिनों तक साधना की थी। वे जब वहां साधना करने गए, स्थानीय लोगों ने उन्हें सतर्क किया कि सिद्धा माई का साधना स्थल अत्यंत पवित्र है, वहां कंचन कामनी की आसक्ति का सर्वथा परित्याग करके ही तपस्या करनी चाहिए, नहीं तो लाभ के बदले हानि होने की संभावना है। अनंत दास जी ने इस चेतावनी को ध्यान में रखकर वहां बहुत दिनों तक साधना की और उनकी तपस्या सार्थक भी हुई।